नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। 5 मिनट देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। कोरोना मामलों की कम हुई रफ्तार, देश में कोरोना के 39,796 नए केस दर्ज, 723 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पेट्रोल चटक मारने के बेहद करीब, आज 35 पैसे बड़ी कीमत, डीजल के दाम में बदलाव नहीं। मोहन भागवत के लिंचिंग बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा ये नफरत हिंदुत्व की दे। पीएम मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित, साझा करेंगे अपने विचार। दिल्ली में आज से खुलेंगे स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन शर्तों के साथ। यूपी में आज से सिनेमा घर खोलने की अनुमति, 50% क्षमताओं के साथ दर्शकों के लिए खुलेंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा, जिम को भी मिली छूट। विकास दुबे के नाम से एफबी अकाउंट बनाकर यूपी के आईजी मोहित अग्रवाल को मिली जान से मारने की धमकी। अलीगढ़ में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हुए सम्मानित, कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया स्वागत। रायबरेली में एक्शन मोड में दिखे सीओ ट्रैफिक, ट्रैफिक व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कई लोगों पर लिया गया एक्शन। मैनपुरी में नगर पंचायत कर्मचारी ने लगाए पौधे, पौधारोपण कार्यक्रम में कई लोग मौजूद। सीमा विवाद से प्रभावित हुआ चीन का सैन्य कारोबार, आक्रामक रवैये के कारण कई पड़ोसी देशों ने क्लीन काटी। यूएई में करोड़पति बना भारतीय, हाथ लगा 40 करोड़ रुपए का जैकपॉट। पाकिस्तान का आरोप, भारत ने कराया हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका, रॉ से जुड़ा है मास्टरमाइंड। ब्राजील में राष्ट्रपति को हटाने, सड़कों पर जनता, रियो डी जनेरियो में लोग मार्च करते हुए बोल्सोनारो गद्दी छोड़ो के नारे लगा रहे। सिंगापुर में ड्राइवर लेस डिलीवरी, सिंगापुर में हाईटेक रोबोट फूड ग्रोसरी की डिलीवरी कर रहे हैं। दिल्ली के सुबोध भाटी 200 प्लस रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, एक क्लब T20 टूर्नामेंट में T20 क्रिकेट में मारी डबल सेंचुरी। इंग्लैंड विमेंस के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम इंडिया की प्लानिंग गर्ल स्मृति मंदाना ने डाइव लगाकर कैच पकड़ा। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का साया, युगांडा के बाद अब सर्बिया के एथलीट भी जापान में सक्रिय मिले, 23 जुलाई से शुरू हो रहा ओलंपिक। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड ने 16 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, जोस बटलर और बेन स्टोक्स टीम में शामिल नहीं। चैंपियन रोजर फेडरर ने 18वीं बार विंबलडन के चौथे दौरे में पहुंचे, कोको गॉफ और एश बाटी ने टॉप 16 में बनाई जगह। फिल्म क्रिटिक्स पर भड़की तापसी पन्नू, हसीन दिलरुबा से द टुमारो वॉर हॉलीवुड फिल्म को बताया गया। विक्की कौशल ने खरीदी महंगी कार, इंस्टाग्राम पर इमेज शेयर कर फैंस को दी ये खुशखबरी। दीपिका पादुकोण ने शुरू की शाहरुख खान स्टारर पठान की शूटिंग, फिल्म में सलमान खान भी गेस्ट अपीयरेंस में आएंगे नजर। अक्षय कुमार ने फिल्म में लाया हेरा फेरी, डायरेक्टर प्रियदर्शन से हाथ, अगले साल की शुरुआत में फ्लोर पर आएगी कॉमेडी ड्रामा फिल्म।
धाकड़ के शूट के लिए कंगना रनौत बुदापेस्ट पहुंची। धाकड़ के अलावा कंगना थलाइवी में भी आएंगी नजर। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।